छोड़ने आए हैं? नहीं, मेरी डॉटर नहीं आई है, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने आया था कि वहाँ पे किस तरह का सिक्योरिटी प्रिकॉशंस अभी लिए गए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी मेरे हिसाब से जितने भी पेरेंट्स यहाँ खड़े हैं उनके बच्चे उनके साथ नहीं है। कुछ पेरेंट्स जो बच्चों को लेकर अभी भी डर पूरी तरीके से बना हुआ है। अगर हमारे अंदर से डर निकल भी जाएगा जस्ट बीइंग मैच्योर, बच्चों के अंदर से आप कैसे निकाल पाएंगे? बच्चे अभी भी, क्योंकि आपने देखा पिछले दो हफ्तों में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, बहुत सारे पिक्चर्स हुए टीवी पे, बच्चा अगर सामने बैठ के देख रहा है कि फर्श पे इतना सारा ब्लड है, इतना सारा ब्लड स्प्रेड हुआ हो रखा है। अगर किसी एजेड बंदे को भी दिखाएंगे चीजें तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। इतने दिनों बाद स्कूल खुला है आज, तो हालांकि आप अपनी बेटी को लेकर नहीं आए हैं, क्या कारण क्या रहा आपकी? क्या आप क्या इधर बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं या अभी कुछ वॉच करना चाहते हैं, वेट एंड वॉच की अपनी पॉलिसी बनाई है कि हाँ देखते हैं आगे कुछ क्या चीजें रहती हैं? देखो, मैं आपको फिर बोलूंगा कि मैंने 99% ये डिसाइड कर लिया है कि मैं एडमिशन विथड्रॉल करूंगा। अच्छा, मतलब अपनी बेटी को यहाँ से हटाएंगे? हाँ, मैं अपनी डॉटर का यहाँ से एडमिशन हटा लूंगा और दूसरे स्कूल में मेरी बात भी हुई है, दूसरे स्कूल में हम एडमिशन कराएंगे। बट अभी जैसे हम बात करते हैं कि 3 महीने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर ये स्कूल रहेगा, सो आई एम एज्यूमिंग के देयर विल बी सम चेंजेस। अगर वो चेंजेस पॉजिटिव होते हैं तो मैं फिर बोलूंगा बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट मिलेगा कि हाँ। लेकिन बावजूद इसके, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सरकार ने टेक ओवर किया है, चेंजेस मिलेंगे, बावजूद इसके अपनी बेटी का आप एडमिशन यहाँ से विड्रॉ कर देंगे? सर देखो, ऐसा है, एक बार जो इंसिडेंट, अगर मैं फिर बोलूंगा, अगर बच्चा सेम आप स्कूल में से वो कॉरिडोर हटा सकते हैं, आप स्कूल में से वो वॉशरूम हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं। अगर मैं, मेरी उम्र 35 साल है, अगर मैं भी उस कॉरिडोर में से जाऊंगा तो मेरे दिमाग में वो चीजें बार बार रिपीट होंगी। अगर आप उसको ब्लॉक भी कर देंगे कॉरिडोर को, फिर भी आपके सामने वो जो वीडियोस वायरल हुए हैं उसमें दिखा है, यू कैन सी द ब्लू टाइल्स एंड ऑल दैट, तो आपको लगेगा कि इसी टाइल्स पे ब्लड था, यहीं से साफ किया गया, यहीं वो बच्चे का बार बार फोटो आएगा आपके सामने। तो वो चीजें जब आपके दिमाग में चलती हैं तो आपको खुद को ऐसा लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हालांकि आपने डिसाइड किया है कि दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, लेकिन आपको लगता है ना कि स्कूल जो है कि इतनी फीस चार्जेस करते हैं, अब दोबारा से आपको दोबारा से वही सब प्रोसेस में जाना होगा, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न वहाँ भी रहेगा, आपको लगता है कि ऐसा? सर मैं बोलता हूँ आपको कि मैं सबसे पहले ये इंश्योर करूंगा कि मेरे बच्चा स्कूल में सेफ रहेगा। सिक्योरिटी का सारा इंतजाम सबसे पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे क्या एडिशनल आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, वो बाद में है, सबसे पहले सिक्योरिटी देखा जाएगा। अगर आपका बच्चा सेफ नहीं है तो आपको क्या फायदा इतने पैसे देने का? लेकिन हिदेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है ना कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक कितने दिन हो चुके हैं, स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई भी सफर बहुत ज्यादा हो रही है? देखो, नो डाउट बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, और अगले 2-3 महीने तक मैं फिर बोलूंगा कि बच्चे अपने पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, मेंटल लेवल उनका इस तरीके से अभी डेवलप नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ 100, आई वुड से 99.9% सारे बच्चों का जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, उनको ये नहीं, अभी एग्जाम चल रहे थे जब ये हुआ इंसिडेंट, अब वो एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं, मगर मैं नहीं समझता कि बच्चे उस एग्जाम के लिए आपने आपको प्रिपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जाहिर तौर पर जो पूरा एक हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं जो तमाम अभिभावक हैं वो परेशान हैं और बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने जो बच्चों का यहाँ से जो एडमिशन है वो विड्रॉ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन करने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो रैन इंटरनेशनल स्कूल में हुआ है गुरुग्राम के, वो एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा था, उसके बाद से तमाम जो अभिभावक हैं वो डरे सहमे हैं और लगातार यहाँ पर स्कूल में आ जा रहे हैं क्योंकि स्कूल खुला है इतने दिनों बाद, और कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चे को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं और दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने की बात कर रहे हैं। हालाँकि सरकार ने टेक ओवर ज़रूर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर है वो अभिभावक के मन में अभी भी लगातार बना हुआ है। कैमरामैन अतुल सिंह नेगी के साथ जिंदर चौहान, टोटल न्यूज़ दिल्ली।